हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल बूट स्टाइल बेबी बूटी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, बहुत सुंदर लगती है। आप इस बूटी को, ये मैं आपको 3 से 8 मंथ तक के बच्चे को सिखाऊंगी कि किस तरह से ये बूटी बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो आइए व्यूअर्स, शुरू करते हैं कि किस तरह से ये बूटी हम बनाते हैं। इस बूटी को बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर का धागा लिया हुआ है, ये के व्हाइट और ये के स्काई ब्लू कलर। और ये निटिंग नीडल ली है 10 नंबर की। अगर आप बनाना चाहते हो उससे मोटे धागा, अगर आपके पास है तो उससे मोटे धागे की बनाइएगा, क्योंकि बूटी मोटे धागे की गर्म बनती है और बच्चों के लिए अच्छी रहती है। तो आपने 2 कलर का धागा लेकर निटिंग नीडल में ऐसे 33 फंदे डाल लेने हैं। 33 स्टिच आपने डाल लेने हैं, 33 फंदे आपने डालने हैं जिस कलर का धागा आप नीचे लगाना चाहते हो, ऐसा आपने 33 फंदे डाल लेने हैं। 33 फंदे डालने के बाद आपने पहली रो रो जो बन होगी हमारी, पहली रो में आपने ये सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं। रो 1 नीट ऑल स्टिचेस, पहले रो में आपने पूरे फंदे सीधे ही बुनने हैं। तो ये मैं रो आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये पहली रो अपनी कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए सेकंड रो में, ये हमारी रॉन्ग साइड है। सेकंड रो में रॉन्ग साइड, ये भी हमने पहला फंदा, इसमें आपने सीधा ही बुनना है। इस तरह से पहला फंदा हमने सीधा बुना, अब दूसरा फंदा यहाँ पर सीधा बुना, और इस एक फंदे के हमने 2 फंदे करने हैं। ये देखिए इस तरह से, एक बार इस तरह से 1 के 2 के यहाँ पर हमने ये फंदा बढ़ा लिया दूसरे फंदे का। पहला फंदा हमने सीधा बुना और दूसरे फंदे के 1 के 2 किए। अब हमने 13 13 फंदे सीधे बुने हैं, 13 स्टिच हमने जो है वो निट करने हैं, सीधे बुनने हैं। हो गया 3 4। ये देखिए मैंने यहाँ पर 13 फंदे बुन लिए हैं। 14वें फंदे में आपने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने फंदा बढ़ाना है। एक बार ऐसे बुना और दूसरी बार ऐसे इसको पीछे से बुनना है। इस तरह से हम यहाँ पर फंदा बढ़ा दिया। अब यहाँ पर फिर से 1 सीधा बुनना है और नेक्स्ट वाले फंदे की फिर से 1 के 2 करने हैं। इस तरह से देखिए, 1 फंदे के 2 फंदे किए हमने। अब यहाँ से हमने यहाँ लास्ट के 2 तक फिर से सीधे बुनने हैं सारे फंदे, मतलब 13 फंदे हमने फिर से सीधे बुनने हैं। तो मैं ये बुन लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 13 फंदे बुन लिए हैं। अब लास्ट का जो दूसरा फंदा है उसके भी हमने 1 के 2 फंदे करने हैं। इस तरह से एक बार आगे से बुना और दूसरी बार पीछे से इस तरह से बुना। अब ये लास्ट का फंदा सीधा ही बुनना है इस तरह से। इस तरह से ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। हमारी उल्टी तरफ से हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं। अब आ जाइए सीधी तरफ, तीसरी रो में। अब ये रो हमने पूरी सीधी ही बुननी है, ना कुछ बढ़ाना है ना घटाना है, बस सीधा ही बुनना है ये सारी रो। अब ये देखिए मैंने ये अपनी रो कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए फोर्थ रो पे। फोर्थ रो पे पहला फंदा सीधा बुनना है इस तरह से, और दूसरे फंदे के 1 के 2 करने हैं उसी तरह से। ये देखिए इस तरह से 1 फंदे के 2 फंदे किए। अब इसके बाद हमने 15 जो स्टिच है वो सीधे ही बुनने हैं। 15 फंदे अब हमने सीधे बुनने हैं फोर्थ रो में। पहले हमने 13 फंदे बुने थे, अब दूसरे में हमने यहाँ पर 15 फंदे सीधे बुनने हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर 15 फंदे बुन लिए हैं। अब ये 16वां जो फंदा है उसके हमने फिर से 1 के 2 फंदे करने हैं। ये देखिए इस तरह से 1 के 2 फंदे किए। अब आगे वाला फंदा हमने सीधा बुनना है और उससे आगे वाले फंदे के फिर से 1 के 2 करने हैं। ये इस तरह से बुनना है, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। अब यहाँ हमने फिर से 15 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 15। अभी देखिए 15 फंदे मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं।
अब यहाँ 16वें फंदे में लास्ट का जो दूसरा फंदा है, यहाँ हम फिर से एक के दो फंदे करेंगे यहाँ पर। ये बेसिकली हम फंदे बढ़ा रहे हैं इसमें, और ये जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं ये हमारे उल्टी तरफ से ही बढ़ रहे हैं, सीधी तरफ में हमें सिर्फ सीधा ही बुनना है। अब आज ये फिफ्थ रो है हमारी, अब हमने पूरे सीधे ही बुनने हैं, ये पूरी रो हमने सीधी ही बुननी है, इसमें कुछ भी बढ़ाना या घटाना नहीं। अब आ जाइए सिक्स रो पे, ये फिफ्थ रो मैंने कंप्लीट कर ली, पूरी सीधा ही बुना है। अब आ जाइए सिक्स, ये पहला फंदा हमने सीधा बुनना है। अब आगे नेक्स्ट वाले फंदे की फिर से एक के दो फंदे करने हैं, ये इस तरह से। अब हमने 17 फंदे सीधे बुनने हैं, 17 17 जो स्टिच हैं वो हमने नीट करने हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 17 फंदे बुन लिए हैं। अब नेक्स्ट फंदे का फिर से हमने एक के दो फंदे बनाने हैं, इस तरह से बुनना है आपने, इस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। अब एक फंदा फिर से सीधा बुनना है और आगे वाले फंदे के फिर से एक के दो फंदे बनाने हैं, ये इस तरह से बढ़ाने हैं हमने। अब इसके बाद हमने फिर से 17 फंदे सीधे बुनने हैं, एक दो, ये देखिए मैंने यहाँ पर 17 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पर आगे वाला लास्ट का जो दूसरा फंदा है उसके हमने फिर से एक के दो फंदे करने हैं, ये इस तरह से हमने ये फंदे यहाँ पर बढ़ाने हैं। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट रो पे आ जाइए, 7th रो में, 7th रो हमने पूरी सीधी ही बुननी है, ये हमारी सीधी तरफ है। एक बात ध्यान रखिए, ये जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं ये हम उल्टी तरफ से बढ़ा रहे हैं, सीधी तरफ से हम सीधा ही बुन रहे हैं। अब हमने ये वाली रो पूरी सीधी बुननी है, 7th जो रो है हमारी। अब ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया है, 7th रो। अब आ जाइए 8th रो पे, अब हमने ये रो उल्टी बुननी है, अब ये हमारी उल्टी तरफ है, अब हमने ये रो उल्टी बुननी है। और इसी तरह से आपने 6 रो बुननी है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, नीट एंड पर्ल, सीधी तरफ से सीधा बुनना है और उल्टी तरफ से, ये हमारी उल्टी रो है। अब इसके पीछे वाली हम इसके आगे नेक्स्ट जो होगी हमारी सीधी होगी। इसी तरह से आपने 6 और रो बुननी है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर ये अपनी 6 रो कंप्लीट कर ली है। आपने ये जो काउंट करनी है वो दोनों तरफ से करनी है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी, ये रो आपने काउंट करनी है। इस तरह से आपने 6 रो तक, यहाँ से ऊपर आपने 6 रो तक बुनना है। अब 6 रो तक बुनने के बाद हम आपने अब डबल पॉइंटेड नीडल लेनी है इस तरह से। और ये जो स्टिच हमने पहले 33 फंदे डाले थे यहाँ से, और हमने 3 रो में जो फंदे बढ़ाए उसके बाद हमारे पास ये 45 स्टिचेस हो गए हैं। तो अब हमने, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हमने 45 स्टिचेस ही पकड़ने हैं। ये देखिए यहाँ से 45 फंदे ही हमने यहाँ से भी नीचे से इस तरह से पकड़ने हैं, ये उल्टी तरफ से आपने पकड़ने हैं इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से आपने आगे तक पकड़ने हैं, 45 फंदे ये हमारे होने चाहिए, जितने हमारे ऊपर यहाँ होंगे उतने ही हमने नीचे भी पकड़ने हैं। अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हो तो ये 45 फंदे हमारे ऊपर हैं, तो 45 फंदे ही हमने ऐसे पकड़ने हैं नीचे से। ये देखिए जहाँ से हमारी ये 6th रो है, ये 6th रो जहाँ से हमने 6 रो ऊपर डाली थी, वहां से आपने ये फंदे इस तरह से पकड़ने हैं उल्टी तरफ से। तो मैं ये पकड़ के आपको बताती हूँ। अब ये देखिए इस तरह से मैंने ये 45 स्टिचेस पकड़ लिए हैं दूसरी नीडल में। अब हमने ये देखिए, इस तरह से अब हमने ये दो का एक करना है, ये दो फंदे अब हमने तीसरी नीडल से इकट्ठे बुनने हैं। अब ये देखिए एक इसका और एक दूसरी नीडल का, इस तरह से हमने ये दो का एक करना है। और इसी तरह आगे तक बुनते जाना है, इसी तरह से हमने
ये पूरे फंदे बुनने हैं। दो का एक करना है आपने, ये दोनों फंदे इकट्ठे बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से आपने आगे तक बुनते जाना है। ये इस तरह से एक फंदा इस नीडल का पकड़ा और एक इस नीडल का, और इसी तरह से दो का एक करना है आपने। अब ये देखिए इस तरह से आपने ये आगे तक पूरा बुनने हैं। अब ये देखिए मैंने ये पूरे फंदे यहाँ पर दो का एक कर लिए हैं दोनों के। ये लास्ट के फंदे मेरे बच्चे हैं, ये देखिए इसका भी हम इस तरह से दो का एक कर लेंगे इकट्ठे बुनने हैं। अब ये देखिए इस तरह से ये आपका ये वाला डिजाइन आएगा, ये वाला, ये देखिए इस तरह से आएगा ये। अब नेक्स्ट रो, ये वाली रो हमने पूरी सीधी ही बुननी है। ये रो पूरी हमने सीधे ही बुनने हैं, ये 45 स्टिच हमने पूरे सीधे ही बुनने हैं इसी धागे से। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर ये रो कंप्लीट कर ली है, सीधा ही बुना है इस रो में। अब इस नेक्स्ट रो में सीधी तरफ जो हमारी है ये देखिए, अब हमने यहाँ पर धागा चेंज करना है, दूसरे कलर का धागा आपने लगाना है। इस तरह से दूसरे कलर का धागा हमने अब यहाँ लगाना है, और यहाँ से ऊपर 6 रो तक हमने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है। 6 रो जो हमारी है वो सीधी तरफ से सीधी बुननी है और उल्टी तरफ से उल्टी बुननी है। दोनों तरफ से आपने रो काउंट करनी है 6 रो तक। अब हमने सीधे तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है और कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर ये अपनी 6 रो कंप्लीट कर ली है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी, दोनों तरफ से आपने काउंट करके 6 रो डालनी है यहाँ से दूसरे कलर के धागे से। अब इसके बाद हमने सीधी तरफ में 7th जो रो है हमारी उसमें आपने 18 फंदे सीधे बुनने हैं। 18 फंदे तक आपने सीधे बुनना है। ये 3 हो गए, 4। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने 18 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, आगे वाला फंदा आपने इस तरह से स्लिप करना है, नीट वाइज स्लिप किया और इससे आगे वाला फंदा अब हमने सीधा बुनना है इस तरह से। अब ये जो हमने स्लिप किया था ये वाला फंदा, वो हमने इसके ऊपर से इस तरह से निकाल देना है, ये देखिए इस तरह से। और अब आगे वाला फंदा फिर से स्लिप करना है और इसे आगे वाला फंदा नीट करना है इस तरह से, और इसको इसके ऊपर से इस तरह से निकाल देना है। ये 2 हो गए। अब आगे वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। अब इससे आगे वाले के 2 का 1, ये इस तरह से हमने 2 का 1 करना है, ये देखिए ये 1 बार और ये 2 बार, 2 का 1 करना है आपने। ये हमारा बीच में जो हमने बुना यहाँ पर हमारा सेंटर होगा, यहाँ से 2 फंदे हमने इस तरह से 2 का 1 किया स्लिप करके, और यहाँ से इस वाली तरफ को हमने 2 का 1 नीट वाइज किया। इसी तरह से आपने ये करना है। अब हमने ये 18 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं और आगे वाली रो आपने उल्टी बुननी है उल्टी तरफ से। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से हमने ये पूरी रो उल्टी ही बुननी है, कुछ भी बढ़ाना या घटाना नहीं है, बस उल्टी ही बुननी है पूरी रो। तो ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारी 8th रो है दूसरे कलर के धागे से। अब ये देखिए उल्टी तरफ से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए सीधी रो में। अब ये 9th रो है हमारी, यहाँ से ऊपर हमारी 9th रो है दूसरे कलर के धागे से। अब हमने 16 फंदे सीधे बुनने हैं, 16 फंदे आपने सीधे ही बुनने हैं। यहाँ पर 3 हो गए, 4। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर 16 फंदे बुन लिए हैं। अब फिर से हमने यहाँ पर नीट वाइज स्लिप किया, आगे वाला फंदा सीधा बुनना है इस तरह से, और ये फंदा इसके ऊपर से इस तरह से उतार देना है। अब ये आगे वाला फिर से एक और बार इस तरह से स्लिप किया,
आगे वाला फंदा ऐसे सीधा बुना और ये फिर से इसके ऊपर से स्लिप करना है। अब आगे वाला फंदा आपने सेंटर में जो है एक वो सीधा बुनना है और इसके आगे हमने फिर से दो फंदों का इस तरह से एक करना है नीट वाइज। ये एक बार हो गया, ये दो बार हमने करना है, एक बार हो गया और ये दो बार। ये हम फंदे यहाँ पर घटा रहे हैं दोनों तरफ को, सेंटर से इस तरफ को भी और सेंटर से इस तरफ को भी, दो दो फंदे हम घटा रहे हैं। अब हमने ये 16 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं। बहुत सिंपल बुटी है व्यूअर्स, आप बनाइए इसको। इससे पहले भी मैंने आपको कई प्रकार की बुटी बताई है, तो ये सबसे अलग डिज़ाइन है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रो हमने पूरी सीधी ही बुननी है और दूसरी तरफ से हमने उल्टी बुननी है, उसमें कुछ नहीं करना है, दूसरी रो में उल्टी बुननी है और ये सीधी बुननी है आगे तक। अब ये देखिए उल्टी तरफ से भी मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए नेक्स्ट रो, जो 11th जो रो पड़ेगी हमारी, यहाँ से हमारी 11th रो, 11वीं रो जो हमारी है दूसरे कलर के धागे से। अब हमने यहाँ पर 14 फंदे सीधे बुनने हैं, 14 फंदे, 2 3 4 और ये 14। 14 फंदे बुनने के बाद अब हमने फिर से ये इसे नीट वाइज स्लिप करना है और नेक्स्ट फंदा इस तरह से बुनना है जिस तरह की ही हमने पहले किया था, और ये फंदा ऊपर से ऐसे उतारना है। अब आगे वाला फंदा फिर से स्लिप किया नीट वाइज और ये आगे वाला फंदा सीधा बुना और ये उसके ऊपर से इस तरह से स्लिप कर दिया। अब सेंटर में हमने ये फंदा सीधा बुनना है इस तरह से और आगे वाले दो फंदों का इस तरह से सीधे बुन के दो का एक करना है। ये एक हो गया और ये दो। अब हमने ये 14 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं और नेक्स्ट रो उल्टी जो रो है हमारी वो उल्टे ही बुनना है, उसमें कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है। तो मैं ये दोनों कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने उल्टी तरफ से भी ये रो कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 13 रो है, रो 13, 13वीं हमारी रो है। अब हमने यहाँ पर 12 फंदे सीधे बुनने हैं, 12 फंदे सीधे बुनने हैं, ये 3 4 और ये 12। ये देखिए 12 फंदे यहाँ पर सीधे बुनने के बाद फिर से आपने वैसे ही स्लिप करना है नीट वाइज और आगे वाला फंदा सीधा बुना और इसके ऊपर से ये उतार लिया और फिर से ये स्लिप करना है एक बार और से, ऐसे सीधा बुना और ये इसके ऊपर से इस तरह से स्लिप कर दिया। अब ये बीच वाला फंदा हमने फिर से सीधा बुनना है इस तरह से और आगे वाले दो फंदों का फिर से दो का एक करना है। ये देखिए इस तरह से एक बार हो गया और ये दो बार। और अब हमने ये 12 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं, ये देखिए इस तरह से 12 फंदे सीधे। अब ये देखिए मैंने ये 12 फंदे भी यहाँ तक बुन लिए हैं। अब हमारे पास ये टोटल 29 स्टिच बचे हैं। हमने शुरू में 33 फंदे लगाए थे, 33 फंदे हमने लगाए थे, उसके बाद हमने बढ़ाए यहाँ पर फंदे बढ़ाए नीचे सोल में, तो हमारे पास 45 फंदे 45 स्टिचेस हो गए थे। और उसके बाद हमने यहाँ पे घटाना शुरू किया, अब हमारे पास 29 स्टिच बचे हैं। अब हमने ये 29 स्टिच, अब आपने नेक्स्ट जो रो पड़ेगी उल्टी तरफ से आपने इसको उल्टा बुनना है और उसके बाद हमने 12 रो सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, इसी तरह से आपने 12 रो तक बुनते जाना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन आएगा बुटी का, ये वाला हमारा डिजाइन आगे का, ये वाला यहाँ पर हमने ये डिजाइन डाला। अब इसके बाद हमने मतलब यहाँ से ऊपर टोटल हमने 13 रो डालनी है उल्टी गिन के भी, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी आपने इसी तरह से बुनना है।